कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, पढ़ाई करेगा क्या, बाकी सब बंद करेगा क्या, छुपाना चाहते हो ना। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। अब 2022 आते आते मोदी जी कह रहे हैं कि सबको रोजगार और स्वरोजगार का मौका समान मिलेगा। ये रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दलित, पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्ग और महिलाएं सभी को समान रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। देखिए 2011-12 से लेके 22-23 तक सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कफोर्स है बहुत बड़ी है, ठीक है। जैसे आधे पुरुष सेल्फ एम्प्लॉयड है, हर 3 में से 2 महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड है, पर इससे मोदी जी का क्या लेना देना? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर कोई पकोड़े तल रहा है तो क्या वो कोई अच्छी सरकारी नौकरी छोड़ के तल रहा है? बात ये है कि सोशल सिक्योरिटी और वेल पेइंग जॉब्स घटे हैं, तो इसके लिए लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपका कोई अचीवमेंट नहीं है, एक कैसी रेस है जो आदमी खुद चाहता है कि वो 4th आए। गरीब लोगों की हाउस होल्ड इनकम सालों से नहीं बढ़ी है, उनके घर की महिलाएं मजबूरी में अनपेड लेबर कर रही है, मतलब बिना पैसों के काम। 5 साल पहले ये फिगर 25% था, अब ये फिगर 33% है। आपके पीरियोडिक लेबर वर्कफोर्स के सर्वे में बताता है कि 3 में से 1 महिला अनपेड हाउस होल्ड हेल्पर है, मतलब आपकी नारी शक्ति ऐसी थी कि आपने महिलाओं को सैलरी मुक्त कर दिया। आपके ही पार्टी के जितेंद्र सिंह से हमें पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 10 लाख पोस्ट खाली है। ये क्या है, ये पोस्ट आप क्यों नहीं भर रहे मोदी जी? क्या है आपका एटीट्यूड नौकरियों की तरफ? या तो 2 करोड़ दूंगा या तो कुछ नहीं दूंगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये पोस्ट क्यों नहीं भर पा रहे? आप कैंडिडेट से क्या चाहते हैं? आई थिंक इंटरव्यू में आप कैंडिडेट को द्रोणाचार्य जैसे मोदी जी का फोटो दिखाते होंगे, ये इसमें आपको कौन दिख रहा है? आप बोलो एक इंसान बाहर, देश का प्रधानमंत्री बाहर, जब तक आप नहीं बोलोगे मुझे तुझ में रब दिखता है तब तक आप अंदर नहीं आ सकते। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा। अब आते हैं अक्टूबर 2023 पे। आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग इन मिशन मोड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ, ये है मोदी जी 2023 अक्टूबर में। अब ये मिशन मोड का देखो आउटकम क्या है, 42% ग्रेजुएट जो 25 साल की उम्र से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। आजकल के बच्चे ग्रेजुएशन पे ना अपनी डिग्री फेंक देते हैं, टोपी रख लेते हैं, टोपी ज़्यादा काम में आएगी। मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। माँ बाप पहले बोलते थे कि बेटा ग्रेजुएशन कर ले नहीं तो घर बैठेगा, अब बोलते हैं बेटा कुछ कर ले, ग्रेजुएशन छोड़ दे नहीं तो घर बैठेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। आजकल रिश्तेदार भी पूछते हैं बेटा क्या कर रहा है आपका, माँ बाप बोल ही देते हैं बेरोजगारी की तैयारी। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पर अभी देखते हैं मोदी जी फरवरी में 2024 में क्या कह रहे हैं। दिस इज द टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटी एंड इनकम आर राइजिंग एंड पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग, ये सेंटेंस में सच हो सकता है कुछ अगर थोड़ा हम वर्ड्स को इंटरचेंज करें। इन रियलिटी क्या हो रहा है, दिस इज द टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटी एंड इनकम्स आर बोथ डिक्लाइनिंग एंड पॉवर्टी इज राइजिंग। मोदी जी कभी फैक्ट्स से हाथ ही नहीं मिलाना चाहते वो। आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या कह रहा है ये देखिए, पिछले 10 साल में किसी भी तरह के रोजगार में मिनिमम वेजेस नहीं बढ़े, दिहाड़ी मजदूरी के रोजगार में नहीं बढ़े, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनकी इनकम नहीं बढ़ी, तो किसी भी टाइप की इनकम 10 साल में नहीं बढ़ी। आप ये ग्राफ देखिए, 10 साल में वी हैव कम फ्रॉम ए टू ए, फ्लैट लाइन है, कोई आगे नहीं जा रहा है कोई पीछे नहीं जा रहा है। अगर इनकम बढ़ती तो ये ग्राफ की लाइन ऊपर की तरफ जाती ना, पर वही है हम। ओके, ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी,
augurs well for national progress. Undoubtedly, we are standing at the cusp of a new era of prosperity, and we are on course to fulfill our dream towards a Viksit Bharat by 2047. Modi ji 2013 mein 2 crore naukriyan de rahe the. 2023 tak desh pakode chal raha tha. Ab bol rahe hain Modi ji, mitro hum aarthik pragati ke paraspar chaukhat pe khade hain. 2047 tak pakka hum Viksit Bharat ka sapna saakar kar denge. अरे आप क्या आदमी हो यार, 10 साल ले लिए, 23 साल और मांग रहे हो. 25 साल के स्ट्रगल में महात्मा गांधी ने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिला दी. अब मोदी जी गांधी जी को नहीं छोड़ने वाले हैं. गांधी जी उठिए, लड़िए, फाइट कीजिए. अब लगता है मोदी जी मारेंगे गांधी जी को. मोदी जी तो मारे ही जा रहे भाई. मोदी जी अब तो छोड़ दो गांधी जी को. ये क्या, अब आ गया मोदी जी को गुस्सा, अब नहीं छोड़ने वाले गांधी जी को. आप 33 ईयर्स मांग रहे हो मोदी जी, क्या मतलब 60 साल कांग्रेस ने लिए, मैं आधे तो लूंगा ही. आपकी सरकार 15 दिन में नरेगा का पैसा नहीं दे पाती, ये कौन सा विकसित भारत का सपना है मोदी जी? तेरा साबुन स्लो है क्या? हाँ, विकसित भारत में क्या होगा, सावन के टाइम पे केंटकी फ्राइड चिकन चाप बेचने लग जाएगा, वो नाम बदल लेगा अपना कुंदन फ्राइड चाप. ये है विकसित भारत. अब आते हैं बीजेपी मैनिफेस्टो 2019. 2019 में उनका मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि अंडर आर गवर्नमेंट देर हैज़ बिन अ 42% ग्रोथ इन द नेशनल मिनिमम वेज. वी विल मेंटेन द सेम डायरेक्शन ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स टू इंश्योर रिस्पेक्टेबल लिविंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स. ये बिल्कुल झूठ है बिकॉज ये 42% मिनिमम वेज बढ़ा नहीं है. और 2019 में केंद्र सरकार के ही लेबर विभाग में जो मिनिमम वेज तय करने के लिए कमेटी इन्होंने बनाई थी, उन्होंने तय किया था कि मिनिमम वेज 375 पर डे होना चाहिए. झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला. जब ये कमेटी बनी, वही साल में मिनिमम वेज 176 से ऊपर जाके कहाँ पहुंचा? 176 से 178, 2 रुपए बढ़ा मिनिमम वेज. एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2A भी कहां से आया? अगर दो मजदूर साथ आए तो ये इंक्रीमेंट एंजॉय करने के लिए वो एक पार्ली जी का पैकेट खरीद सकते हैं. मोदी जी, जी माने जीनियस. ये मजाक नहीं तो और क्या है. मतलब इन्होंने मिनिमम वेज 176 से 178 कर दिया, जबकि उनकी ही कमेटी बोल रही है 375 होना चाहिए. इसके बाद ये बोल रहे हैं 42% बढ़ा. मोदी जी, अगर आप सच नहीं बोल सकते तो चुप तो रहो. चुप, बिल्कुल चुप. अब आते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स का सरकारी डेटा क्या कह रहा है. वो ये कह रहा है कि 30 करोड़ मजदूर 375 रुपीज पर डे से कम कमाते हैं. 90% के जो दिहाड़ी मजदूर है वो 375 रुपीज पर डे से कम कमाते हैं. जो 60% सेल्फ एम्प्लॉयड है पकोड़ा योजना के तहत, वो 375 से कम कमाते हैं. और ये डेटा एक चीज हमें कह रहा है जहाँ से आप पूरा समझ जाएंगे कि राशन क्यों बांटना पड़ रहा है. 34% परिवार की पूरी इनकम मिला के भी 375 पर डे नहीं होती है. और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार में ये 50% से ऊपर है. मतलब यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, जहाँ से आप चुन चुन के मोदी जी को भेज रहे हो, वहाँ पे आपके पूरी परिवार की इनकम भी 375 से कम है. चुतिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है. अभी हम आते हैं इनइक्वालिटी पे. हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 1% भारत के लोगों के पास 40% भारत का धन है. मतलब मोदी जी के शासन में ये बढ़ते गया. आज हमारे देश में गरीबी वहाँ है जो अंग्रेजों के जमाने में थी. You dirty dog, tell me where is the गरीब हिंदुस्तानी खून पसीने का मनी? बताओ मुझे. इनके शासन को देख के गोलमाल फिल्म की एक लाइन कोट करना चाहता हूँ. भूख रोटी की है तो पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए. भारत के जो 167 सबसे अमीर परिवार है, उनसे अगर 2% टैक्स लिया जाए तो हम लाखों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का बंदोबस्त कर सकते हैं. और अभी अगर आप पूछ रहे हैं, इफ नॉट मोदी देन हु,
मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? बट मोदी वर्सेस हु? सिंपली सेइंग हु? यू टेल मी सीरियसली, सीरियसली हु? 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 दिस इज बेटर एमडी चेयर. एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना? बाकी सब बंद.